हेलो। अरे यार, अब कॉल क्यों कर रही हो तुम बार बार? जब तुम्हें पता है मेरी शादी हो चुकी है यार, तो बार बार कॉल क्यों कर रही हो? यार समझो सिचुएशन को। तुम्हें पता है कल मेरी बीवी ने जब फोन उठा लिया था ना, तुम्हारा फोन, तो मेरे को मुर्गा बना के मारा यार, इतना मारा है, ठीक है ना? प्लीज यार, अब फोन क्यों कर रही हो तुम? उसको शक हो चुका है हमारे ऊपर। मैं तुमसे बात करता हूँ, उसको ये शक हो चुका है। जब भी देखता हूँ तो ऐसे काली माँ की तरह आंखें निकाल के, भाई मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, प्लीज अब कॉल मत करो। मैं बात नहीं कर सकता तुमसे। जो जो उसके चिमटा हो गई, फूकनी हो गई, जैसे ही उसको मार देती है भाई, प्लीज। तो यार मेरा सर फूट चुका है, तो आप मेरे को डिस्टर्ब ना करो, कॉल ना करो, ठीक है? मैं आपको समझा रहा हूँ, हमारा रिलेशन जितने टाइम तक था वो था, अब ख़त्म हो चुका है, प्लीज समझो। अरे तो तुम नस काटोगी, तुम यहाँ मेरी नसें कटी पड़ी हैं, उसका क्या? यार मेरी भी सिचुएशन तो समझो। हाँ, उसका भाई तो और ज़्यादा खतरनाक है, मेरी माँ, उसका भाई तो मुझे बता रहा हूँ मुर्गा वो क्या क्या बना के मारेगा, समझो। उसके जो मेरे ससुराल वाले हैं वो बहुत डेंजर आदमी हैं, तो प्लीज़ यार आप समझो, अब कॉल मत करो। पिछली बार पेंट फाड़ दी थी मेरी, उसको इतना मारा, प्लीज़ रख दो यार, ठीक है? हाँ, तुम चाहती हो मैं पिटूँ, हैं? मेरी चिमटा से पिटाई हो? नहीं तो अगर थोड़ा सा प्यार करती होगी तो यार तुम समझोगी ना मेरी सिचुएशन। मेरी माँ, फोन रख दे, और कर रहा हूँ मैं तेरे को ब्लॉक, तू नस काट या कुछ काट, ठीक है? चल फोन रख, ज़्यादा दिमाग की दही मत बना। हाँ, यहाँ मेरी नसें कटी पड़ी हैं, उसका क्या? हेलो, अरे पंकज, अरे यार एक लोचा हो गया है। मैं कह रहा हूँ यार, कल ना मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो यार मैं ना यहाँ पे शॉपिंग करने आया हूँ मॉल के अंदर, ठीक है? और तेरे को पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं बता रहा हूँ, अगर तूने गलती से भी बता दिया किसी को कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो देख लेना तू। नहीं नहीं नहीं, यहाँ GIP मॉल आया था, तो थोड़े कपड़े वपड़े खरीदने थे ना मेरे को, इसलिए आया था मैं। अरे पिछली बार वो रेडी से पैंट खरीद ली थी यार, वो फट गई एक दिन में यार पीछे से। हाँ, थोड़े ढंग के कपड़े खरीदने आया हूँ ना। अरे पिछली बार मजे की बात बताऊँ, वो मैं गया था अपने नानी के यहाँ, ठीक है? तो नाना का जो लड़का है ना, यानी हमारा मामा, उसके रिश्ते वाले आए थे, तो यार वो रेडी वाली पैंट पहन के चला गया था मैं। जैसे ही नीचे बैठा ना, तो वो पीछे से सब फट गई, और यार अंदर कच्छा भी नहीं पहना था मैंने, यार बहुत बुरा हाल हुआ था। मैं वो रिश्ते वाले वहीं से चल गए थे, तो मामा का रिश्ता और तोड़वा दिया यार, फिर क्या बताऊँ तेरे को। तो यार अभी GIP मॉल आया हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ देखूँगा किसी मैक्स वगैरह से कपड़े खरीदूँगा। अरे तो भाई 250 रुपये की, अरे तू चूतिया है क्या? तू ही खरीदेगा 250 रुपये वाले कपड़े, ठीक है ना? हाँ मेरे, मैं हो गया हूँ पैसे वाला, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ तो तभी तो तुम कंजर जैसे दिखते हो। हाँ भाई, थोड़ा यार प्रोफेशनल बनना, थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव लगे, जो लड़कियाँ लाइन मारें इस टाइप से, थोड़ा भी खरीद लेना। हाँ चल ठीक है, और उसके उस, मैं कह रहा हूँ उस चुड़ैल के बारे में बिल्कुल मत बताना किसी को भी। अगर उस चुड़ैल को पता चल गई ना, तो भाई पिछली बार उसने 2 घंटे बाथरूम में रखा था, इस बार पता नहीं कितने घंटे बाथरूम में रखेगी, ठीक है? तो प्लीज़ यार तेरे से रिक्वेस्ट है, बताना मत, वरना तेरी गर्लफ्रेंड तोड़वा दूंगा, बता रहा हूँ मैं। चल ठीक है, हाँ।